साइबर अपराधी अपराध करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। आम जन जागरूकता से ही साइबर अपराधियों के चुंगल में आने से बच सकते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक रहने हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में आज जिला पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। साइबर ठगी से बचाने के लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों की जागरूकता से ही साइबर ठगों को मात दी जा सकती है। डॉक्टर सिंगला ने बताया कि आज इंटरनेट की दुनिया में हर व्यक्ति कंप्यूटर व मोबाइल से जुड़ा है। हर किसी की नौकरी या पढ़ाई मोबाइल व कंप्यूटर तकनीकी संसाधनों से जुड़ी हुई है। इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, वॉलेट, UPI संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की जानकारी दी जा रही है। फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने बारे आमजन को जागरूक किया जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट से हनी ट्रैप के संबंध में साइबर अपराध की जानकारी दी जा रही है। सिम कार्ड के माध्यम से ATM कार्ड बदलकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक, UPI संबंधी फ्रॉड से प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर सिंगला ने अपील करते हुए जनता को कहा कि ATM पिन हमेशा स्वयं अंकित करें एवं ये सुनिश्चित करें कि कोई इसे देख ना सके। अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी किसी को ना दें। ATM पिन को हमेशा बदलते रहें एवं ऐसा पिन ना रखें जो आसानी से अनुमान लगाया जा सके। ये सुनिश्चित कर लें कि बैंकिंग लेन देन से संबंधित विवरण आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो। नेट बैंकिंग का प्रयोग करते समय सावधानी रखें। किसी भी तरह के ऑफर या लालच में ना आए। किसी भी लिंक को ओपन ना करें। फ्रॉड लिंक के जरिए पूरा मोबाइल हैक किया जा सकता है जिससे पूरा डाटा आसानी से चोरी हो सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात कर उसके बहकावे में ना आए और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही बैंक खाते में राशि डालें। इसके अलावा मोबाइल पर आई किसी भी लिंक को ओपन न करें। फेसबुक, ट्विटर और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल ID का पासवर्ड काफी स्ट्रांग रखें। सरल पासवर्ड ना रखें। सोशल मीडिया पर अगर किसी परिचित का मैसेज आता है और वह आपसे रुपयों की मांग करता है तो पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें या मैसेज करने वाले से फोन पर संपर्क करें। उसके बाद ही किसी खाते में राशि ट्रांसफर करें। बैंक कर्मचारी कभी भी आपको फोन पर बैंक डिटेल्स नहीं मांगते। अगर आपके पास किसी तरह की कॉल आती है और सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बैंक कर्मचारी बताकर आपसे आपकी निजी जानकारी OTP या KYC के बारे में बोलकर आपसे कोई जानकारी मांगता है तो उस व्यक्ति को कोई भी जानकारी देने से बचें। इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा लॉटरी, एनी डेस्क ऐप, टीम व्यूअर, SMS फॉरवर्डिंग ऐप, लोन ऐप, फेक कस्टमर केयर नंबर आदि के माध्यम से लोगों को ठगी से बचाने के तरीके पुलिस द्वारा बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जॉब, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल प्राप्त कर भी साइबर ठग खातों से रुपए उड़ा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि लोग झूठे प्रलोभन से बचें। यदि उसके बावजूद साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तुरंत भारत सरकार द्वारा जारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साथ ही उन्होंने बताया कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में अपनी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पर या नजदीकी थाना चौकी में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साइबर अपराधों से बचने के लिए आपके माध्यम से कुरुक्षेत्र पुलिस आपको अवेयर करती रहेगी और इसी कड़ी में आज एक साइबर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है जिसमें हमारी सभी थाने व चौकियां और सभी फील्ड यूनिट्स अपने अपने एरिया में निकलकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मार्केटों में पहुंचकर आप सबको साइबर क्राइम के टिप्स दे रहे हैं और फ्रॉड से कैसे बचा जा सके इसके बारे में आपको जागरूक कर रहे हैं। 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, इसका प्रयोग करें। जब भी आप किसी साइबर क्राइम का, फ्रॉड का शिकार हो बैठते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी फ्रॉड की सारी जानकारी दें ताकि आपका पैसा बच सके। इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्प डेस्क जो कि हर थानों में बना हुआ है, आप अपने नज़दीकी थाने में जाइए, वहाँ पर साइबर क्राइम हेल्प डेस्क की मदद लीजिए, अपनी शिकायत को अंकित करवाइए और इस अपराध से जो आपका पैसा निकला है खातों से उसको हम कोशिश करेंगे कि बचा सके और आप तक वापस पहुंचा सके। साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातें जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी निजी कोई भी बैंक से संबंधित सूचना, आप या तो बैंक यूज़ करते हैं, कोई इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स करते हैं ऑनलाइन, या आप ई वॉलेट्स का प्रयोग करते हैं जैसे पेटीएम, एयरटेल वॉलेट, SBI वॉलेट्स या किसी भी प्रकार की आप ऑनलाइन
फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, उसमें आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने निजी इंफॉर्मेशन जैसे कि OTP, पिन नंबर, ये किसी के साथ भी आपने साझा नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। व्हाट्सएप पर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर या ईमेल पर आपको जब भी कोई लिंक आता है, उस लिंक को क्लिक करने से पहले बहुत ध्यान से उसके बारे में पढ़ लें। जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं कि वो किस व्यक्ति द्वारा भेजा गया है, तब तक आप उस लिंक को ना खोलें। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अनवेरीफाइड लिंक को आप ना खोलें। हो सकता है आप लिंक को जैसे ही क्लिक करें और आपका फ़ोन या जो कंप्यूटर डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो हैक हो जाए और वो फ्रॉड करने वाले के नियंत्रण में आपका डिवाइस आ जाता है और उस डिवाइस पर जो जो आपकी निजी इमेज, कोई डाटा, किसी भी प्रकार का प्राइवेट सामान उसमें है आपका, वो फ्रॉडस्टर के हाथ में वो लग जाएगा, आपका जो यंत्र है वो। खबर नाम हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा, राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।